Hey guys, कैसे हैं आप सब। मैं रवि, मैं कनिका। स्वागत है सभी का हमारे चैनल पे मिस्टू एंड मिस्टी। और अब कार्तिक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो अभी तो बोलना स्टार्ट नहीं किया वैसे तो, लेकिन बोलता है ये बहुत जल्दी जल्दी बोल, प्रॉपर बोलना सीख जाएगा ना तो एक और इंट्रो बनाना पड़ेगा जिसमें कार्तिक भी इंट्रो ले आके प्लस साथ में। वो अभी पता नहीं इधर उधर कर रहा है, वो एंगल देख रहा है किस एंगल में खेल सकता हूं। वो तो वो दिया ना तुमने उसको जिसमें जैसे झाड़ी टाइप के। हां वो निकाल दिया, उसने निकाल दिया। देखो क्या कर रहा है, निकाल के फेंका फाड़ करता रहता है। तो आज मंथ का शुरुआत है। हां और गाइस आज इस इसी महीने रक्षाबंधन भी है। हां तो रक्षाबंधन में यार क्या करें, सुना रक्षाबंधन पे नॉर्मली रक्षाबंधन होता है गाइस, उसमें कोई धूमधाम होता नहीं, पटाखे फोड़ो ये करो, लेके आओ बांधो, सुबह सुबह भाई राखी बनवाएगा अपनी बहनों से, गिफ्ट देंगे और घूमने जाएंगे, है ना। तो हमारा प्लान सिंपल सा है, राखी आके बनवा के हम लोग तो अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं गाइस। हाँ कहीं घूमने जा सकते हैं हम लोग वैसे, है ना, चाहे तो। चाहे तो तुम भी तो पहले राखी बनवाने जाओगे ना अपने भाई से। ठीक है, तो हम लोगों का प्लान है उस दिन हम लोग जाएंगे मूवी देखने रक्षाबंधन। ठीक है, हाँ उस दिन रक्षाबंधन मूवी रिलीज हो रहा है अक्षय कुमार का, वो जाएंगे देखने बस। हाँ और क्या, और कहाँ जाएंगे, बस यही। ठीक है चलो, हो गया बस हमारा फाइनल हो गया, देखते हैं। और अभी मतलब और क्या बोलना था, मैं कुछ बोलना था भूल गया। तो अभी हाँ और गई इस मंथ से हमारा रेगुलर व्लॉग आएगा, हमने पिछले मंथ बहुत डिले कर दिया चाहे ना आए मिस्टी का, तो वैसे भी फूड चैलेंज वगैरह ही लाएगी। हाँ क्योंकि पिछले मंथ हमने काफ़ी डिले कर दिया था व्लॉग वगैरह में, तो आप लोग बोलते थे कि दी आप रेगुलर व्लॉग नहीं डाल रहे पहले की तरह। तो रेगुलर मेरे पास इंस्टा पर भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। तो अभी भी पिछले महीने में बहुत ज़्यादा हम लोग वर्क था, काम था, बहुत ज़्यादा बिजी था। मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, मिस्टी भी बिजी थी। और डेली सेम रूटीन जो हम करते हैं वो दिखाएंगे तो आप लोग भी कहोगे कि क्या डेली सेम ही चीज़ दिखाते हो आप लोग, कुछ न्यू दिखाओ। तो न्यू दिखाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, मतलब बाहर बोले तो नोएडा से बाहर। और बाहर जाने के लिए हमारे पास अभी फिलहाल मैं जा नहीं सकता क्योंकि देखो अभी मेरे को सही बताऊँ तो मेरा प्लान है केदारनाथ जाने का, लेकिन अभी नहीं जाना। केदारनाथ जाएंगे सितंबर में हम लोग। और अभी जिम वगैरह चल रहा है तो मैं मिस, मेरे को सही बता तो मैं मिस नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। डाइट भी चल रहा है इसलिए, क्योंकि अगर मैं डाइट वाइट मिस कर दिया, जिम भी 10 दिन के लिए मिस कर दिया तो फिर क्या फ़ायदा हुआ मेरा इतना एक महीने से जिम करने का, एक महीना हो गया होगा लगभग मेरे को जिम करते। इसीलिए तो अभी चलते काम वाम करते हैं गाइस एंड आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। आजा कार्तिक निकलते हैं, मुझे दिख रहा है आगे से बना रहा हूँ मैं। आज चलो चप्पल क्यों पहनेगा, गोदी में जाएगा, कोई पैदा थोड़ी जाएगा चलती। आगे पीछे कर रहा है कार्तिक बाय। तो अभी कार्तिक जा रहे घूमने बाहर। कार्तिक बाय। Two hours later. तो अभी हमारे बीच में तो हमारे बीच में भी आ चुके हैं कन्हैया जी, आ चुके हैं घूम के गाइस। मैं गया था वृंदावन घूमने के लिए, अच्छी जगह था बहुत। नहीं भाई मैं कन्हैया नहीं, कन्हैया जी नहीं हूँ, उनका एक छोटा सा अंश हूँ। मैं कहने का मतलब ये था उनसे कंपेयर नहीं कर सकता मैं। नहीं मैं कह रहा जगह अच्छी थी ना। अरे भाई अच्छी, अरे भाई केदारनाथ चलो यार। मैं गई वृंदावन तो मेरे को वहाँ पे सिर्फ मतलब जगह तो काफी सारी अच्छी है, लेकिन मेरे को जो प्रेम मंदिर है वो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है ना। वहाँ का लोकेशन, वहाँ के जो जो स्टैचू वगैरह, माय गॉड भगवान के सब बहुत अच्छे हैं। नो वर्ड्स गाइस, जो वृंदावन में रहते हैं ना यार, जो वृंदावन में रहते हैं यार उनको तो यार जन्नत है यार, इतने पास रहते हो हर चीज तुम्हारे नियर बाय है भाई। और वहाँ पे मतलब ना इतना मतलब चुप रहा है वहाँ पे ना, बहुत एकदम मतलब ऐसे जाने के बाद ना ऐसा लगता है मन बहुत हल्का हो जाता है ना भाई। इतना अच्छा लग रहा था ना वहाँ पे यार भाई, मेरा मन नहीं कर रहा था आने का भाई, कसम से मैं बैठा हुआ था। हम लोग भी जब जाते थे ना तो हमारा भी मन नहीं करता, हम लोग तो एक दो दिन और रात के टाइम पे नजारा होता है वहाँ का। देखा है मैंने, अब वहाँ का नदी गाइस,
और मैं तो वहाँ पे इतने सारे मंदिर में गया था ना, इतने सारे, एक तो वहाँ पे एक और मंदिर है, क्या नाम है उसका, मंदिर बहुत सारे हैं, बहुत सारा है, बहुत मतलब पूरा, मतलब वो इलाका ही कृष्णा जी का है पूरा, है ना इलाका तो गाइस वो मंदिर लग चुके हैं सामने, लेकिन हट गई है भाई टीम, वो इलाका कृष्ण जी का है, वहाँ पे वो गोपी के साथ रास रचाते थे मस्त तरीके से भाई, एक से एक चीज देखने को मिली गाइस, अगर किसी को देख रहा हूँ जाओ मेरा चैनल विजिट करो, किसने नहीं देखा आपको दिख रहा है यूट्यूब पे चेक करना, यूट्यूब से, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है ऐसी नहीं मेरा चेक करना, यूट्यूब में जाके चेक करना, यूट्यूब देखो मेरा चैनल सर्च करना डेविड लाइफ, आपको वहाँ पे मिलेगा, पहले तो मिलेगा कि नॉर्मल जो मैंने नॉर्मल शूट किया है और वही सेम चीज मैंने लाइटिंग में शूट किया है कि लाइटिंग के बाद वो कैसा दिखता है, वो गाइस जो सांप की जो आंखें थी ना यार, वो रेड रेड चमक रही है भाई साहब, मजा आ रहा था देख के, और जो प्रेम मंदिर का जो लाइट था, ओह माय गॉड, किल ब्रो तो गाइस काफी जल्दी हम लोग भी जाने वाले हैं, मिस्टू मिस्टू चैनल के जो लोग हैं वो भी जाने वाले हैं देखने, आपका मिस्टू भाई भी जाने वाला है देखने प्रेम मंदिर, और हम लोग भी, हाँ हम लोग भी जाने वाले हैं, और हम लोग भी जाने वाले हैं बहुत जल्दी, सितंबर में तुम्हारा भाई जा रहा है केदारनाथ, तो जाना अकेले मैं कहूँ राजू मेरी जान अगर वीडियो देख रहा है तो प्लीज लड़ा पधार जी, मेरी जान साथ में करेंगे पार्टी पेप्सी वाली, तो अभी गाइस हम लोग करते हैं अभी थोड़ा सा रेस्ट, ठीक है, और आपको बताएंगे अगर हम जाने वाले होंगे तो, वैसे तो जाने का हम लोग का प्लान है, देखो वो जा रहा है गुफा में नीचे, देखो जरा एक बार गुफा की यात्रा कर रहे हैं, काफी नीचे पूरे टकरा रहे ढम ढम तभी मजा आ रहा है, ये हमारे करैया जी, और गाइस अभी बहुत जल्दी जन्माष्टमी भी आने वाला है, तो हम लोग कार्तिक को कृष्ण जी बनाएंगे, इस बार कार्तिक बड़ा हो गया है, आओ कार्तिक जल्दी फटाफट ऐसे मुंह खोलेंगे कार्तिक जी और अंदर ब्राह्मण दिखेगा, ब्रह्मांड ब्रह्मांड सनी देव जो भी देव जितने भी देव जितने भी ग्रहण सब दिखेंगे, अंदर पेंटिंग कर दो ठीक है। 3 hours later hey guys इन लोगों के घर में आ चुके हैं, कार्तिक का सकल इन द हाउस दे ये पगला गया इसने, कार्तिक को भी ये भी खुश नहीं रो रहा है, बोला कि मेरा क्यूटनेस छीन लिया ब्रो, देखो गाइस दो दो बरस बरस करता है महेंद्र बाहुबली, कार्तिक बाय, किसी किसी से मतलब नहीं है भाई, ये ड्र ड्र करता है, नो ऐ गिरा गिर, कैसा लगा सफेद पे आदर ज्यादा चादर ज्यादा जैसा जैसा, सो अभी गाइस काफ़ी लोग कल तीज मना रहे थे क्योंकि काफ़ी लोग तीज मनाते हैं और काफ़ी लोग करवा चौथ मनाते हैं, तो हमारे में तीज नहीं होता है ना, नहीं होता है ना, यहाँ पे काफ़ी लोग हरियाली तीज मना रहे थे और मैंने देखा था सब हरा हरा, सब चूड़ी और साड़ी वगैरह सब पहन के पता नहीं कहाँ जा रहे थे, मंदिर वगैरह जा रहे थे, और मैंने सुना ये तीज में लोग जो औरतें होती है वो झूला भी झूलती है, हाँ मेहंदी लगाती है, मैंने भी नहीं देखा आज तक, बट मैंने जो यहाँ पे कुछ औरतें रहती हैं उनको देखा मैंने करते हुए, तो मैंने देखा था, और मतलब सेम करवा चौथ की तरह ही होता है, उस पर फास्ट रखती है, पूजा करती है, हरा चीज़ पहनते हैं वहाँ पे, मतलब हरा हरा सब कुछ हरा हरा एकदम, तो बट हमारे में नहीं होता, हमारे में तो करवा चौथ होता था इसलिए हम लोग तीज नहीं मनाते, और हमारे परिवार में किसी ने मनाया भी नहीं इसलिए हम लोग नहीं मनाते, तो काफ़ी लोग डाउट पे थे कि आपने तीज नहीं मनाया, तो गाइस मैं बता दूँ हम लोग तीज नहीं मनाते, हम लोगों में होता है करवा चौथ जो कि मैं करती हूँ और जो आने वाला है जो कि मैं करने वाली हूँ, तो ये वीडियो यहीं तक, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और गाइस अभी मिस्टू जिम गए तो मैं अकेले आउटरो ले दूँ, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को करना लाइक कमेंट शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मैं न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, तब से मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Doubt creeping, gotta pop a couple more aspirin, I don't think I'll ever let you in, easier to break it off best friends, I don't really understand myself, I don't really understand, need help, I don't wanna be left on the shelf, couldn't even hear me if I yelled, it's so cold outside, I'm alone.